तू तो चुप कर। वेलकम बैक टू अनदर बैड डे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैर खैरियत से मजे में होंगे और आपका आज का दिन रात सुबह दोपहर शाम या रोजा बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। दुआ तो भाई की हुई है। अपने आज के दिन के बारे में बात करें, दिल तो नहीं कर रहा लेकिन करते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो इंसान ने कभी सोची नहीं होती, और कुछ चीजें कभी ना सोची हो, उनका हो जाना इनाम है जिंदगी का। दुनिया है, जिंदगी है, चलता ही है। यहाँ मौजूद है हमारी मीना, आपकी और हमारी अपनी पसंदीदा, हमारा फर्स्ट लव। मीना का कैमरा फट गया भाई। आज भाई साहब मौजूद है माई फ्रेंड फजीएस, जिनकी हेल्प के साथ हमने एक बार फिर इसका चैम्बर खोलना है, जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीजों में आज पहले नंबर पे ही है। इस सारे काम के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रांड न्यू घोड़िया, ब्रांड न्यू जेक्स और टूल्स भी डबा पैक। ओए 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 दास्तान जिंदगी इस तरह की है कि बिल्कुल वैसा ही दिन था जैसा होता है। हुआ जी ये था, बीच में हम फिर रहे थे और उधर आया जी एक अदद खड्डा जो कि था बड़ा, और उसमें लगी हमारी गाड़ी और उसका चैम्बर एक बार फिर फट गया। गाड़ी तो घोड़ियों पे हो गई है लेकिन अब जो मजे की सीन है ना मजे की सीन है। हेलो, कहता ही तुम साथ क्यों आ गई हो? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हम दोनों रोजे में हैं और हमने भी ये चैम्बर लेने बिलालगंज भी जाना है। बारिश का भी कोई पता नहीं है, इसको खोलना भी है बंद भी करना है, तो जरा थोड़े से आप ना टाइम लैप्स देख लें। चैम्बर खोलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके चैम्बर के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और तब भी हमने यही अर्ज किया था कि इसका चैम्बर दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, इससे मुश्किल काम कोई नहीं है। ये बहुत मजबूत चैम्बर है, इसमें बहुत ज़्यादा नट हैं, बहुत ज़्यादा नट हैं। इसको खोलने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी खोलनी पड़ती हैं, जिसमें शामिल है कंप्रेसर, ये वाली पुली, ये वाली बेल्ट, उसके अलावा 1.5 लाख किस्म के बोल्ट, बम्पर भी। फायदा इसका हमें ये है कि हमारे फ्रेंड फजीएस ने एक दफ़ा 1.5 दिन लगाया था इसके ऊपर और उन्होंने कहा था कि अगली दफ़ा मैं ये ऐसे खोल दूंगा, तो ये अगली दफ़ा अल्लाह की तरफ से आ गई है। तो लेट्स सी। पौने 1 बजे का टाइम हो चुका है, नट्स की कलेक्शन बाहर आना शुरू हो चुकी है, काम स्टिल जारी है। जिंदगी में होता रहता है बेटा, ये साल पीछे तो चलता है ना, एक कभी खुशी कभी गम, वो ही साल होता है। तो जी नाजरीन, वक्त हो गया है कुछ तकरीबन 2:15 बजे का, और इस दफा माशाल्लाह अंडर 2 आवर्स हमारा सब कुछ खुल चुका है। हमारा नहीं मतलब कि चैम्बर के सारे नट नट खुल चुके हैं। जरा इनकी गिनती एक दफा करते हैं। तकरीबन 30 नट यहाँ पे हैं। ये सारे नट चैम्बर के साथ इंटरलिंक्ड हैं, ये चैम्बर के नट नहीं है। चैम्बर को खोलने के लिए इन सबको खोलना पड़ता है, जिसमें शामिल आपको बताया है कंप्रेसर, उसके नीचे ये वो लटरम पटरम बेल्टे पुलियाँ, और अब इस सब के बाद चैम्बर के नट खोलने शुरू हो रहे हैं, जिसमें 3 आ चुके हैं और 30 को पीछे रह गए हैं। छोड़ दो इसको ना, एक जगह रखते हैं। ये देखें, ये पहले आप इसका जरा खपा चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना हसीन किस्म का इसमें सुराख हुआ है कि अभी इसके अंदर पीसेस थे और वो टूट के बाहर आ रहे हैं। आपका भाई भी इधर ही है, वो बैठा आपका भाई। आप भी जाए भाई, उनको दिखाओ ना, पहले थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है, ज्यादा हो गया है।
पहले कप्पा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, ये कप्पा ज्यादा हो गया। ये पुराना नंबर है जी हमारा, तब हमने इतना को तोड़ा था, इतना कप्पा किया था, ये चेक करें बिग कप्पू कर दिया। अगली दफा आपको मिलेंगे। होंडा वंडू बाइक पे हम सवार हो चुके हैं, अपने जैकेट जैकेट पहन लिए क्योंकि बारिश है, कोई पता नहीं है। फजी है हमारे साथ मौजूद है, चैम्बर हमारा खुल गया था। अब जरा सोच रहे हैं कि बिलालगंज जाके अपना चैम्बर ले ही आए, इसीलिए जरा अपना सफर शुरू करते हैं टूवर्ड्स बिलालगंज और उम्मीद करते हैं कि हमें इस दफा भी चैम्बर सस्ता और अच्छा मिल जाएगा। लेट्स गो। बाबा जी लेके आनी चाहिए थी ना कश्ती हमें, क्योंकि इधर तो वो ही हालात है। लेट्स स्टार्ट आवर हंट फॉर आवर न्यू चैम्बर। लबने हैं, लबने हैं ताजी, लबने हैं ताजी। की हाल चाल? सब ठीक? ओके ओके। लास्ट चैम्बर हमने लिया था जी 3,000 रुपए का, और ये वाला चैम्बर हमें मिल गया है 4,000 रुपए का। बड़े हैं, हर चीज़ के बड़े हैं, दुनिया सारी महंगी हो रही है, तो इसीलिए हमारा चैम्बर भी 1,000 रुपया महंगा हो गया तकरीबन 2 से 2.5 माह में। बट गुड, पहले भी अच्छा मिल गया था, अभी अच्छा मिल गया। ये भाई हमारे गुड हमें मिल गए हैं चैम्बर वाले। साजी जरा पीछे चेक कराया जी। ओके ऑल गुड है, क्या बात है। A few inches later. क्या प्रोग्राम किया? बस फिट करके इफ्तारी करते हैं, नहीं हो जाएगा फिट इंशाल्लाह। गाइस न्यू चैम्बर इज हियर, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। फजी भाई नीचे पहुंच गए, क्लीनिंग शीनिंग कर रहे हैं। अब जी वक्त का मुकाबला सख्त तरीन इस टाइम पे वक्त होता जाता है 4:44 का, और हमने ये फैसला कर लिया कि सब कुछ फिट करके पैक करके ही इफ्तारी करनी है, वरना नहीं करनी। उसके अलावा ये बिलालगंज से केमिकल मिलता है बड़ा ही जालिम किस्म का, जिससे हमने अपने EF का रेडिएटर वगैरह, और रेडिएटर कह रहा हूँ हौदा वगैरह भी साफ किया था, मतलब के इंजन बे। उसके अलावा हम यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह भी ले आए हैं, सारा सामान हमारा पूरा है। फिलहाल जरा हम अपने इस केमिकल को पानी के साथ मिक्सचर करके स्प्रे वाली बोतल उस पर लगा के इस सुबी कहते हैं इसको, सुबी बर्तन धोने वाली सुबी के साथ ना चैम्बर को करते हैं ब्रांड न्यू। और इसी के साथ हमारा चैम्बर ब्रांड न्यू हो चुका है। तो जी इससे दरख्वास्त है कि ये फिट कर दें, फिर हम एंजॉय करेंगे। एंजॉय सिलिकॉन सिलिकॉन लग गई है जैसा कि आपने देख लिया होगा, और अब फजी इसने चैम्बर को वापस अपनी जगह के ऊपर रख दिया, और अब कुछ नट्स लगा के इसको ओके किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। कुछ मतलब क्या है भैया? हुए यार कसम, बहुत गंद है, बहुत गंद है। होंडा वालों अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं ना, हेलो भाई, उन्होंने इस काम के लिए गाड़ी नहीं बनाई जिस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो इतने नट लगा सकते हैं। उनको नहीं पता था कि हम चैम्बर ऊपर भी रखेंगे तो आप फाड़ देंगे। ये बात सारी मुंजदाड़ों के दौर से हमारे जो फ्रेंड हैं इन्होंने बड़ी अच्छी की है। लेकिन अगर एक एडवाइस मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप में से अल्लाह ना करे किसी की रीबर्थ का चैम्बर फटता है, तो आप इसको किसी प्रोफेशनल वर्कशॉप से चेंज करवाएं, क्योंकि इसमें इतने बेतहाशा नट हैं कि आप अच्छा खासा बंदा भी होगा ना तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फजी ये हमारे वेल ट्रेन हैं इस काम के लिए, मतलब कि एक तरह से कर सकते हैं ये चीज़। तब भी पहली दफ़ा जब हमने ये खोला था तो तकरीबन 1.5 दिन हमें सिर्फ खोलने में लग गया था, और उसके बाद बंद करना और बाकी कहानियाँ अलग थी। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि एक एक्सपीरियंस मिल गया हुआ था, तो 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। तो इसीलिए अगर आप किसी गलत वर्कशॉप पे चले जाएंगे तो उधर भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 1.5 दिन आपके पक्के हो जाएंगे। ओके हो गया। A few moments later. अरे चैम्बर तूने मुझे आगे रख दिया। साथ मुझे भी। साजी चलो क्या करूँ मैं इसका? इसको गले में डालो ना ऐसे। बहुत तेज हो रहा है यार, ये बस्तियां सूजी है। और इसी के साथ काफ़ी सदियों के बाद मीना का चैम्बर एक बार फिर सक्सेसफुली हम चेंज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जो चीज़ रह गई है वो है जी इंजन ऑयल। इंजन ऑयल डालेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ पप्पू और फिट हो जाएगा। इंजन ऑयल अभी इस टाइम हम नहीं जा सकते लेके आने, क्यों लेके आने मतलब के लेके लेने जाने इस टाइम नहीं जा सकते, क्योंकि लेके आने
क्योंकि इस टाइम पे हमारी हालत बहुत टाइट है, सुबह भी हम तकरीबन नहीं सोए हुए क्योंकि जल्दी उठना था, काम शाम स्टार्ट करना था, तो इस वजह से हालात बहुत संगीन हुए हुए हैं। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आपके और मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट EK 2000 पे होगी और कुछ ना कुछ उसके साथ करना है। लेट्स सी, काफ़ी सारे प्लान्स हैं, काफ़ी सारी आपको वीडियोज़ इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी उसकी भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मीना को अपनी दुआओं में याद रखा करें यार, माशाल्लाह ज़रूर बोला करें और बाकी बस हम भी एहतियात करेंगे जितनी हमारे से होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय करें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट, क्योंकि हम सोने लगे हैं। फजी को रखते हैं, आपको भी रखते हैं यार, आप एक चेक काट दो ना तो सिविक एक्स ले लूँगा। चेकबुक गुम हो गई। सही क्या, चेकबुक गुम हो गई।